नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला को 3-4 बदमाश डंडों से बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। बदमाशों ने महिला पर हमला किया, जिससे महिला इतनी बुरी तरह से घायल हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक रिहायशी कॉलोनी में लोकल एमएलए पर मारपीट कराने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार इलाके का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वीडियो में महिला की कुछ पुरुष और महिलाएं लाठी डंडों से जबरदस्त पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 19 नवंबर का बताया जा रहा है, लेकिन महिला घटना के बाद से अस्पताल में एडमिट थी। बता दें कि अब जैसे ही पीड़ित व्हीलचेयर से अस्पताल से बाहर आई, तो उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले ढूंढी, जिससे उनको कानूनी मदद मिल सके। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के साथ महिला सामने आई है और उसने हमला करवाने का आरोप आम आदमी पार्टी की शालीमार बाग से विधायक वंदना कुमारी पर लगाया है। वहीं इस मामले में पुलिस एफआईआर में विधायक का जिक्र जरूर है, लेकिन अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी या पूछताछ नहीं होने से पीड़ित महिला नाराज है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं इस मामले पर विधायक वंदना कुमारी ने बोलने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के काम कुछ लोग करते हैं, उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस पीड़िता को कब तक इंसाफ दिला पाती है और इस पूरे मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे कब पहुंचाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।